एक फरवरी से राज्यभर में खुलेंगे कॉलेज, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दी मंजूरी। उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने ट्वीट कर दी जानकारी। मुंबई के मालवनी में गिरा 3 मंजिला मकान, बाल बाल बची एक महिला की जान। घटनास्थल पर पहुंचे असलम शेख। कल शिवाजी पार्क में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करेंगे ध्वजारोहण। सर्जरी के बाद पहली बार 2.5 महीने बाद साधेंगे जनता से संवाद। गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगे के रंग में रंगी मुंबई। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस शानदार ढंग से जगमगाया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान, औरंगाबाद एयरपोर्ट का बदलेगा नाम। शिवाजी महाराज के नाम पर होगा एयरपोर्ट का नाम। मुंबई में अगले कुछ दिनों तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। मुंबई का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस गिरा। मुंबई के मालाड में मैदान को दिया गया टीपू सुल्तान का नाम। कल पालक मंत्री असलम शेख के हाथों होगा उद्घाटन। मुंबई में मैदान का नाम टीपू सुल्तान रखने पर मचा बवाल। वीएचपी और बीजेपी ने किया विरोध, मैदान के बाहर बढ़ाएगी सुरक्षा। टीपू सुल्तान के नाम को लेकर शिवसेना भी हुई आक्रामक। मैदान का नाम रानी लक्ष्मीबाई रखने की मांग। फडणवीस की अध्यक्षता में आज हुई बीजेपी की बैठक। भाजपा की बैठक में मनसे से गठबंधन पर हुई चर्चा। शिवसेना को हराने का तैयार हो रहा है मेगा प्लान। कोरोना की तीसरी लहर में मुंबई में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रमित मरीज आए सामने। बीएमसी के सर्वे में 89% मरीज ओमिक्रॉन के। कल्याण में महंगे शौक के चलते केडीएमसी कर्मचारी की पत्नी ने शुरू की चोरी। घटना सीसीटीवी में हुई कैद, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई में थमी कोरोना की रफ्तार, आज आए 1815 मामले, 10 लोगों की मौत। किरत समैया राजनीति में भाजपा की आइटम गर्ल, मंत्री नवाब मलिक का अटपटा बयान। कैंसर के इलाज के नाम पर कल्याण में परिवार को ढोंगी बाबा ने लगाया 32 लाख का चूना, पुलिस ने ढोंगी बाबा को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में दर्दनाक हादसा, सड़क हादसे में 7 मेडिकल छात्रों ने गंवाई जान। मरने वालों में भाजपा विधायक का बेटा भी शामिल। वर्धा में सड़क हादसे में मरने वाले मेडिकल छात्रों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्त की संवेदना। मृतकों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 मुआवजे का ऐलान। महाराष्ट्र में आज कोरोना के 33,914 मामले, कोरोना से मौत का तांडव, 86 मरीजों की मौत, 13 ओमिक्रॉन मरीजों की हुई पुष्टि। मालेगांव में कांग्रेस का नामो निशान खत्म, सभी 27 नगर सेवकों ने कांग्रेस छोड़ पकड़ा एनसीपी का दामन। मुंबई में बढ़ा वायु प्रदूषण का स्तर, सोमवार को दर्ज की गई पिछले एक दशक की सबसे प्रदूषित हवा। कांदिवली पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, एक शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार, चुराता था मोबाइल और बाइक। मुंबई में आज सोने चांदी के दामों में आई गिरावट, सोना 49,680 रुपए तोला, वही चांदी 64,100 रुपए किलो। मोबाइल यूजर्स के लिए बुरी खबर, प्रीपेड प्लान्स फिर होंगे महंगे। सोमैया को फाइल दिखाए अधिकारियों को पड़ा महंगा, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद 3 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र की सहकारी चीनी मिल बिक्री में घोटाला होने का लगाया आरोप। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री को पत्र लिखकर 25,000 करोड़ के घोटाले की जांच की मांग।